बिहार के जनपद बक्सर के अंतर्गत मुस्फिल थाना क्षेत्र के हीरो हंडा एजेंसी में कार्यरत कर्मी राजकुमार टेम्पो से अपने गांव चौसा शाम को 7 बजे जा रहे थे। इसी दौरान टेम्पो चालक के साथ बाइक पर सवार 3 युवकों के साथ कहासुनी हो गई और तीनों युवक टेम्पो चालक को मारना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान युवक टेम्पो चालक को बचाने का प्रयास किया। बाइक सवार युवकों ने टेम्पो चालक को निशाना बनाकर गोली दाग दी। टेम्पो चालक के बजाय राजकुमार को लग गई और राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया। गोलीबारी की घटना के बाद युवक फरार हो गए। अखंड भारत न्यूज के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट, बक्सर। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक महोदया के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में संपूर्ण जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण व वाहन चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना निघासर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम चूराटांड नहर पुलिया से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल सहित 3 साथी अभियुक्तों नीरज पुत्र राजू निवासी ग्राम बरोठा थाना निघासर खीरी, अतुल पुत्र मेलाराम निवासी ग्राम लखाही थाना निघासर खीरी, वसीम पुत्र ताहिर निवासी ग्राम लुधौरी थाना निघासर खीरी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 12 अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त सातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर लखीमपुर व आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिलें चोरी कर फर्जी नंबर डालकर उन्हें पड़ोसी देश नेपाल व अन्य जनपदों में बेचकर अवैध रूप से धनोपार्जन करते हैं। 2 अभियुक्त, एक गौरव शाक्य और राजवीर सिंह, ये गिरफ्तार हुए हैं। घटनाक्रम इस प्रकार था, 23/11/2019 को एक नंबर से इन्होंने हमारे CUG नंबर पर फ़ोन किया और जो गौरव शाक्य है यह मंत्री जी का प्यारो बना, मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी का इन्होंने नाम लिया कि वो बात करेंगे, और जो राजवीर सिंह है यह फर्जी जो मंत्री बनके इसने बात की और कोई बसें जो मथुरा से पलिया तक चलती हैं उसके संबंध में ये कुछ बात बता रहे थे, जिस पर शक हुआ तो जानकारी की गई और मंत्री जी के यहाँ लैंडलाइन नंबर पर और CUG नंबर पर फ़ोन करके पता किया गया, तो जानकारी हुई वहाँ से कोई फ़ोन नहीं किया गया है। जब इस बात की पुष्टि हुई उसके बाद इन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। भारत न्यूज़ के लिए आदित्य प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।